यह देखिए, एक प्लांट में कितना फल लगा है, या इसी प्रकार से हर प्लांट में लगा है फल। तो आगे देखते जाए किसान भाई, ये छोटा सा क्लिप है आपको शुरुआती में दिखाने के लिए, और आगे देखिए इसका फल कैसा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे राजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ कैलाश। मेरे गांव है कुदरिया प्रपर गांव, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। तो किसान भाइयों, आज हम ग्राफ्टेड बैगन यानी बीएनआर की 212 के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं अपने खेत का ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, किसी खेत का नहीं कर रहा हूँ मैं। जो अपने अनुभव से इसका सारी डिटेल आपको बताऊँगा कि कितना ब्रांच निकाला है, कितना सक और कितना क्या बोलते हैं हाइट तक बढ़ा है, क्या क्या बीमारी लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से नए नए वीडियो आपके लिए लाता ही रहता हूँ, और मैं अपने खेत का वीडियो बनाता हूँ। और ये देख रहे हैं बैगन लगाया हूँ, बीज दिख रहा होगा, मैं इसका डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अब हमारे खेत में, आपकी खेत को दिखाता हूँ कितना ब्रांच निकाल है, कितना शाखा है और कितना फल लगा है, और क्या क्या बीमारी लगता है इसमें अधिकतर। तो चलिए चलते हैं हम हमारे खेत में। किसान भाइयों, मैं आपको बैगन के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है फलन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी, दूसरा पॉइंट है लगाने के समय कौन कौन सा ठीक रहता है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, कौन कौन से खाद डालते हैं और किस किस समय में डालते हैं इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी, और कौन कौन सी बीमारी लगती है इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी, और तुड़ाई कितनी दूरी के अंतराल में करना चाहिए इसकी भी संपूर्ण जानकारी, और कितना तुड़ाई होता है इसकी भी संपूर्ण जानकारी, प्रति एकड़ में वेराइटी कौन सा है इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल से जानकारी दिया जाएगा, और कमाई कितना होता है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा, खर्चे के बारे में भी पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए और पूरी देखिए वीडियो, तभी आपको ग्राफ्टेड बैगन लगाने के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप वीडियो की शुरुआत में ही देख चुके होंगे कि कितने ज़्यादा बैगन फला है, और यहाँ पर देखिए फलन कितना ज़्यादा है, और इसमें कुछ घास उग गया है उसको निकलवाना है। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा और आगे चलता हूँ फिर आपको डिटेल में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कि देखिए इसमें तुड़ाई कर चुका हूँ, कल ही तुड़ाई किया था, और आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको इसके फलन के बारे में कितना शानदार चमक है। और इधर भी, और शाखा ब्रांच सभी एकदम ज़बरदस्त निकाले हैं। और आगे ले जाता हूँ आपको मैं, तो बताता हूँ कि मैं अपने ही वीडियो शूट कर रहा हूँ खुद अपने खेत का। और ये देखिए इसमें भी कितना ज़्यादा फलन लगा है, और देख के लिख सकते हैं बैगन के बारे में। ये देखिए इसकी जड़ से भी देख सकते हैं, ग्राफ्ट है जंगली बैगन, और इसकी ऊपर की तरफ भी चलता हूँ, देखिए कितना नीचे से फलन है इसका जड़ के, और शाखा कितना निकाले हैं 25-30 होगा, ये देखिए देखिए, और ऊपर यहाँ देखिए कितना ज़्यादा फलन है ये देखिए, और आगे भी देखिए देखिए कितना ज़्यादा फलन है इसमें, शानदार चमक ये देखिए। ये ग्राफ्टेड बैगन की कमाल। लगाने के समय के बारे में बात की जाए तो आप किसी भी समय में लगा सकते हैं। मैंने इसको 20 मई को लगाया था, उस समय बहुत तेज़ गर्मी था, और लगाने की दूरी मैं आपको बता दूं कि पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखा था, और बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखा था। 5 फीट इसलिए रखा था कि चलने में आसानी हो और दवाई स्प्रे करने में कोई दिक्कत ना हो।
उसमें तार बांस भी खींचाता है बीच बीच में, इसलिए मैं 5 फीट रखा था। और हर लोग किसान अलग अलग क्या बोलते हैं बेड से बेड की दूरी लगते हैं, लेकिन मैं सुझा देता हूँ कि आपको बेड से बेड की दूरी 5 फीट ही रखना चाहिए, इसे कम नहीं रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैं तुड़ाई भी कर रहा हूँ मेरे बैगन का। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूँ कि जब पौधे लगाते हैं तो प्रति एकड़ में खर्चा कितना आता है, इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊँगा क्या खर्चा आता है और प्रति एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं बैगन की, इसके बारे में आपको लास्ट में ही जानकारी दूंगा। और देखिए तुड़ाई कर रहा हूँ मैं और कितना शानदार चमक रहता है। और आपको बता दूँ कि किसान भाइयों जब ये बैगन बढ़ जाता है तो इसमें पौधे तो इसमें कौन कौन से खाद डालते हैं शुरुआती अवस्था में जब पौधा छोटा रहता है, यानी जब किसी नर्सरी से पौधे लाए हुए थे तो लगाने के बाद बता दूँ मैं आपको, लगाने के बाद इसमें 19-19 चलाते हैं, 19-19 के बाद चंद भाई मैं आपको बता दूँ कि जब पौधा छोटा रहता है जब हम लोग किसी नर्सरी से लाए हुए थे तो इसमें कौन कौन से खाद चलाते हैं जब पौधे छोटे होते हैं, तो बता दो कि किसान भाई मैं जब पौधा छोटा होता है तो 19-19 चलाते हैं और 12-61 चलाते हैं और 0-54 चलाते हैं। 19-19 कब चलाते हैं हमको बता दो कि जब पौधे का ग्रोथ होता है तो उस समय हम लोग एक एक दिन के अंतराल में कोई 2 दिन के अंतराल में 19-19 खाद का ड्रिप में चलवाते हैं, वो भी 1 kg प्रति एकड़। और 12-61 भी जब पौधा थोड़ा ग्रोथ हो जाता है यानी फूल आने का कगार में होता है तो इसमें 12-61 चलाते हैं, जब फूल बहुत तेज़ी से आता है और फल सेट होता जाता है तो उसमें 0-34 को चलाते हैं। इन सभी खादों का मात्रा जब पौधे छोटे होते हैं तो 1 kg चलाते हैं। अब जैसे बीच बीच में कैल्शियम बोरॉन मैग्नीशियम चलाते हैं, अब जब ज़्यादा फल हो जाता है तो इसमें इसी खाद को जैसे 0-34 हो गया अधिकतर 4 kg प्रति एकड़ ही चला देते हैं और इसमें अच्छी फल सेटिंग होता है, फूड बनता है। और किसान लोग तो 0-0-50 चलाते हैं फल को बड़ा करने में, तो आप भी चला सकते हैं 0-0-50 खाद को फल को बड़ा करने में जब साइज छोटा होता है तो उस समय। किसान भाई इसकी बीमारी के बारे में बात की जाए तो इसमें अधिकतर फल छेदक तना छेदक और विल्ट की बीमारी अधिकतर आता है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें विल्ट की बीमारी अधिकतर लगता है। तो पौधे लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद कोई अच्छी सब फंगीसाइड को ड्रेंचिंग कर देना चाहिए, जैसे ब्लू कापर हो गया और बहुत सारी ब्रांडेड कंपनी की दवाई मिलती है उसको ड्रेंचिंग कर देना चाहिए, इसे विल्ट तो कंट्रोल रहता ही है। जब विल्ट अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको कोई उपाय नहीं होता है, इसको जड़ से उखाड़ कर ही फेंकना पड़ता है हमारे खेत से। तो आप लोग पहले से ही सावधान रहिए और सजग रहिए और इसके फल छेदक और तना छेदक के लिए कोई सभी अच्छे दवाई चला सकते हैं, जैसे कोराजन हो गया, किंग डॉक्सा हो गया। मेरे बैगन में फल छेदक और तना छेदक लगा है तो इसमें थाइमेथोजोन 25% WG मार रहा हूँ और इसके साथ फेम को डाल रहा हूँ जो बेस्ट कंट्रोल करता है, फेम दोनों को मिलाकर बैगन में स्प्रे करने वाला हूँ। किसान भाइयों मैं आपको संक्षिप्त में बता दूँ कि दवाई स्प्रे करते समय एकदम दोनों साइड से स्प्रे करना चाहिए, ऊपर नीचे तभी कीड़े का बेस्ट कंट्रोल होता है लेकिन नहीं हो पाता है, ताकि अच्छी तरह पत्ते गीले हो जाएं, पौधे भीग जाएं, इसे बीमारी का कंट्रोल होता है। किसान भाइयों इसकी तुड़ाई के बारे में बात की जाए तो कितने कितने दिनों के अंतराल में तुड़ाई करनी चाहिए, तो किसान भाइयों सप्ताह में 2 बार तुड़ाई करनी चाहिए, 3-3 दिन के अंतराल में जब बैगन तैयार हो जाए तो इससे अच्छी क्वालिटी का होता है और ज़्यादा बड़ा बढ़िया होता है और मार्केट में भी डिमांड अच्छा आता है। मैं आपको बता दूं कि तुड़ाई प्रति एकड़ में बैगन की 25 से 30 क्विंटल होता है, जब प्रारंभिक अवस्था रहता है तो थोड़ा कम ही निकलता है,
दस बारह पाँच और धीरे धीरे बढ़ते जाता है और 25 से 30 क्विंटल लगातार उत्पादन देता रहता है। और किसान भाइयों, इस समय बैंगन की डिमांड भारी रहता है बरसात के समय में, वही जुलाई अगस्त में इसका डिमांड अधिक रहता है और रेट भी अच्छा मिलता है। और किसान भाइयों, जो नए नए किसान रहता है वो सोचता है कि मैं एक एकड़ में बैंगन की खेती करूंगा तो कितने प्लांट लगेंगे, इसके बारे में वो असमंजस की स्थिति में रहता है कि कितना प्लांट ऑर्डर करूँ नर्सरी से। तो किसान भाई, मैं बता दूँ कि प्रति एकड़ बैंगन की खेती के लिए 3000 पौधे लगते हैं अधिकतम, न्यूनतम वही 2700-2800 को प्रति एकड़ के लिए लेना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ किसान भाइयों, इसकी उत्पादन के बारे में जाने गए होंगे कि प्रति एकड़ तुड़ाई में होता है अधिकतम 25 से 30 क्विंटल। और इसके हाइट के बारे में बता दूँ कि हम 10 फीट तक अधिकतम हाइट चल जाता है और सालों साल टिकता है इसके प्लांट, यानी 1.5-2 साल तक चलता है। जब इसके पौधे का अच्छी तरह से केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, कोई पंगी सड़ने लगे तो पौधे लंबे समय तक खींचता है यानी। और आने वाले सीजन में आप भी इसको कटिंग करके भी रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। और वैरायटी के बारे में बात की जाए तो किसान भाइयों, यह PNR की 212 है और ये हमारे सभी एरिया यानी छत्तीसगढ़ हो गया, UP, बिहार, झारखंड, सभी जगह इसके अदर स्टेट में भी लगाते हैं। और किसान भाई, हमको बता दो कि अधिकतर हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से ही बैंगन जाता है अदर स्टेट के लिए। और ये वैरायटी तो बेस्ट है अदर स्टेट के लिए, लेकिन कोई कोई सा ऐसा स्टेट है कि वहाँ अलग अलग वैरायटी का चयन करते हैं, जैसे सेंगरू हो गया 704, ये गुलाबी होता है और ये भी अच्छी वैरायटी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की भाटा पसंद करते हैं, कई जगह है गोल भाटा तो कई जगह है। मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने अपने स्टेट एरिया को देखकर ही खेती करना चाहिए कि कौन सा भाटे का ज़्यादा डिमांड है, गोल या लंबा वाला भाटा का। और इसकी मैं कमाई के बारे में बात की जाए तो किसान भाइयों, यानी प्रति एकड़ में एक बार ट्राई करते हैं तो मान लो 25 से 30 हज़ार रुपये, और सीजन भर में मान लीजिए 15 तुड़ाई कर ही लिए तो 5-6 लाख तो आराम से कमा सकते हैं जब रेट अच्छा रहता है तो मार्केट में, एक एकड़ में बैंगन की खेती से। और मान लीजिए प्रति एकड़ लगाने की खर्चा हो गया तो मान ली 3000 पौधे का 30 हज़ार हो गया, और वही लेबर वर्क करके प्रति एकड़ में अधिकतम 70 से खर्चा आता है लगाने का पूरे टोटल।